अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब, जो ये व्लॉग है ये है लास्ट व्लॉग का ही कंटिन्यू व्लॉग। ये मैंने जो जगह बुक करवाई थी ये मैंने एयरबीएनबी के थ्रू बुक करवाई थी। लैंड रूडो में आपको जगह आसानी से नहीं मिलती रहने के लिए। अगर आप होटल्स बुक करें वो तो आप भूल ही जाए, मतलब कोई होटल अवेलेबल नहीं था। अगर कोई अवेलेबल था वो भी फिर मांग रहा था पर नाइट 250-300 पाउंड। तो जो मैंने ये जगह बुक कराई थी ये मैंने एयरबीएनबी के थ्रू करवाई थी, 50 पाउंड पर नाइट दिया था एंड विच वॉज सो रीजनेबल फॉर मी। अच्छा, मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना कोई घर बुक करा लूँ रादर देन कोई होटल रूम। सो जो ये अकोमोडेशन थी ये थी, ये एक लिविंग रूम था विद किचन, किचन में डाइनिंग टेबल रखी थी, ऊपर 2 बेडरूम थे और काफ़ी बड़ी स्पेस थी। मतलब आराम से 6-7 बंदे आराम से निमट सकते थे इस घर के अंदर, कोई अगर फैमिली के साथ आ रहा है। ये अलग बात है कि जब आप बुक करवा रहे होते हैं तो आपको डालना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कितने गेस्ट हैं और फिर उस हिसाब से प्राइस चेंज होना शुरू हो जाती है इनकी। सो अगर आपका लैंड रूम जाने का प्लान है या सनोडोनिया जाने का प्लान है तो मेक श्योर यू बुक एटलीस्ट 4-5 मंथ्स अर्लियर, बिकॉज लास्ट मिनट बुकिंग मीन्स यू आर पेइंग 250-300 पाउंड पर नाइट, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। खैर जी, बच्चे कह रहे थे कि हमने बीच पे जाना, तो हमारे जो हमने बुकिंग कराई थी 10 मिनट की ड्राइव पे ये था बीच। एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ हार्बर नॉट अ बीच एंड एक्चुअली दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द कॉनवे बीच। कॉनवे बीच जो इट्स सेल्फ आपको नॉर्थ साइड पे पड़ता है वो बहुत साफ सुथरा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये साइड बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा मैली कुचली सी थी ये कहना चाहिए मुझे, क्योंकि सारे इस पर ना काही थी, बच्चे पाँव भी ले जा नहीं सके अंदर। तो बच्चे मेरे कह भी रहे थे कि नाइल कह रहा था कि मामा आप कहाँ लेके आ गई, यहाँ तो मैं पाँव भी डिप नहीं कर सकता अपने। वैसे इस बीच को देखना मुझे कराची का बीच याद आ गया, यहाँ तो सिर्फ काही मौजूद थे ना, हमारी बीच पे तो मतलब जूस के डब्बे से लेके खाने के डब्बे से लेके बच्चों के पेपर से लेके कपड़े और मतलब जूतों से लेके जो आप चीज़ नाम ले ले वहाँ पे आपको मिल जाती है आसानी से। मतलब हमारा बीच इतना ज़बरदस्त लगता है लेकिन उसको इतना गंदा कर दिया हमने कि मुझे नहीं लगता लोग अपने बच्चे लेके अपनी फैमिली लेके जाते होंगे इन बीचेस पे। अब उसके बाद हमने कहा चलो बच्चों को आइसक्रीम खिला देते हैं, हम लेके गए चलो मैकडॉनल्ड वगैरह पे देख लेते हैं। वैसे तो कोई शॉप खुली ही नहीं थी, 5 बजे भाई सब बंद होता है, कहीं आइसक्रीम नहीं मिलती इस शहर के अंदर। तो मेक श्योर कि अगर आप जा रहे हैं तो आप सोच के रखें 5 बजे सब बंद हो जाना है। खैर यहाँ मैकडॉनल्ड गए तो यहाँ पे इन्होंने ठंडी लाते थी और वाकई लाते साबित हुई, कुछ नहीं था इसके अंदर सिवाय से 2 घूंट लातों के अलावा। सो जनाब, दिस इज़ अनदर डे और एक नया एडवेंचर। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, सबसे पहले हम गए थे मैकडॉनल्ड और हमने वहाँ से पूछा क्या कोई वीगन ब्रेकफास्ट मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ वीगन अवेलेबल नहीं था। सो अब हम जा रहे हैं एक और जगह, हमने फाइंड किए कैफ़े ओरिएंटल नाम है उसका, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने लिखा हुआ था अपनी डिस्क्रिप्शन में कि वीगन एंड हलाल ब्रेकफास्ट ऑप्शन अवेलेबल। सो लेट्स सी वहाँ जाते हैं क्या है खाने में क्या नहीं। अगर आप कभी भी नॉर्थ वेल्स की तरफ आए तो मैं कहूँगी अपने घर से लेके आए सैंडविचेस बना के, फूड अपने घर से लेके आए। एंड जैद कोकोमेलन देखना चाहते हैं। खैर साउथ वेल की तरफ तो मिल जाता है जहाँ कार्डिफ वगैरह पड़ता है, आपको कहते हैं वहाँ बहुत एशियन फूड है अवेलेबल ना, मतलब पाकिस्तानी फूड, एशियन फूड, इंडियन फूड अवेलेबल है इजीली, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। मतलब आप स्ट्रगल करें इतना, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रगल करें इतना इस वक्त। अच्छा जी, हम यहाँ पे अब ढूंढ रहे हैं वो कैफे जी जैद, यस यम यम खाने जा रहे हैं। अब जैद को है कि यम यम बोरा कैफे सारे सामने, कैफे ओरिएंट एक्सप्रेस, मैं ओरिएंटल कब से कह रही थी, चलिए थी आसानी से मिल गया पूरा पूरा कैफे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पहिया उस कैफे की तरफ जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करना है। यू आर सर्विंग हियर चिकन हलाल, ओके, एंड चिकन बर्गर हलाल एंड यूजुअल मीट बीफ। सो जनाब, हुआ ये कि यहाँ पे कहते रहे वीगन है, चिकन हलाल है, बीफ हलाल नहीं, मटन हलाल नहीं है, लेकिन कुक सब एक जगह होता है, तो हमारा दिल नहीं माना यहाँ खाने पर, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं अजरा, यहाँ से देखते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। और ये देखें, ये दोनों इसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैद हेलो यम यम। और जनाब, यहाँ दोनों बच्चों को इंतहाई भूख लग रही थी, नाइल तो फिर भी सबर कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा सबर नहीं करता। ज़्यादा सुबह उठते ही माशाल्लाह सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता है, बाद में दूसरी बात करता है। खैर आपने यहाँ में मफिनस लिए और ना यहाँ पे डोनट्स लेते बच्चों के लिए, और डोनट्स पे हम ये देखे थे भाई वीगन हो, क्योंकि यहाँ बहुत मसला था हराम हलाल का। एटलीस्ट इंसान पाकिस्तान में किसी मुस्लिम कंट्री में एटलीस्ट आराम से खा तो सकता है। अच्छा जी, हमने यहाँ से लिए दो कॉफ़ी कैपेचिनोस और बच्चों ने जूसेस वगैरह लिए, हमने कहा चलो यहीं बैठ के कर लेते हैं ब्रेकफास्ट अपना आज। मेरी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है अजरा की, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी मज़े की कॉफ़ी है इनकी। अच्छा जी, आफ्टर ब्रेकफास्ट वी आर गोइंग टू विजिट अ स्मॉलेस्ट हाउस इन द ग्रेट ब्रिटेन। देखते हैं कैसा है, कि कितना बड़ा कितना छोटा ये घर, काफ़ी लोग इसको विजिट करते हैं अर्ली, तो हमने कहा चलो हम भी देख लेते हैं, शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं देख कर। ओके, दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट हाउस, ये 2 बेडरूम अकोमोडेशन है, बिल्कुल कैसल के साथ जुड़ी हुई है। और
ये 72 इंचेस इसकी विथ है और 122 इंचेस इसकी हाइट है। और इन इवन 1920s में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है स्मॉलेस्ट हाउस इन द ब्रिटेन के नाम से। और मज़े की बात है इसमें लोग भी रहते थे, 1900 सेंचुरी में यहाँ पे लोग रहते थे। और जिनका ये घर था रॉबर्ट जॉन्स, अब उन्हीं की पड़पोतियाँ दोतियों के पास है ये शायद। ये 2 बेडरूम अकोमोडेशन है, अगर दिखाती हूँ, अगर परमिशन दे दिखाने की। ये £4 Take a picture of you all when you come out, if you sure. like. Oh, thank you. I'll give you a little postcard for school as well. That'll make you feel better, because none of you look very happy at the moment. Can I leave it here? She wants to be here. Yeah, no, I'll stick it here, it's okay. This is the smallest house, okay, Ji? Wow. When the house was lived in, I think in Mai ka tha ye aur babu ji ka tha ye. We hope you have enjoyed the visit. Please mind your head when you are leaving. अच्छा जी, बस मेरे सर से ना बस ये इसकी हाइट है, मतलब मेरा हाथ भी लंबा जाए से अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो बस थोड़ी सी हाइट है मेरे सर से। ये पुराने जमाने की चीजें लिखी रखी हुई इन्होंने। In 1900, the house was 9 condemned. Let me go up, then you people come. And the man who owned it went all over the country, measuring small houses. These are the tickets. This was the smallest. All right. यहाँ पे एक automatic tape चल रही है, automatic tape, मतलब I mean tape चल रही है। अब बस ये है। ये one bed है। मतलब hardly बंदा खड़ा हो। और ये मतलब इन्होंने ना बंद किया हुआ, lock करा हुआ है सारा ये। प्रिजर्व रखने के लिए उन्होंने रखा हुआ है सब ऐसे। बस यहीं से देख सकते हैं आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं ऊपर। दैट्स इट। गुड यार, दे नो हाउ टू अर्न मनी, मतलब इतना से उन्होंने फिर 4 पाउंड ले लिया हमसे। और कहते हैं ईयरली यहाँ पे 55,000 लोग आते हैं। यस, वी आर ट्राइंग टू माइंड आवर हेड। अच्छा, स्मॉलेस्ट हाउस देखने के बाद हम गए थे ग्रेट ऑर्म सुमिट की तरफ। वहाँ पे हम थोड़े देर हमने स्टे किया, वहाँ पे कुछ मिनट तक कार पार्क करके ऊपर से व्यू था एक सिंपल। उसके बाद हम गए थे मरीन ड्राइव की तरफ, जिससे यहाँ पे इंजन चल रहा था ना, इसी तरह यहाँ पे ट्राम चलती हैं जो आपको ग्रेट ऑर्म के एरिया में लेके घूमती हैं, आपको डिफरेंट व्यूज़ वगैरह दिखाती हैं। बस ये जो एरिया है पूरा बस सीनरी पर डिपेंडेड है ना, ये सारी सीनरी, खूबसूरत सीनरीज है रास्ते में। और जो मरीन ड्राइव है एक्चुअली ये टूल रोड है, आपको ये इर्द गिर्द समंदर के लेके बराबर बराबर से गुजारा होता है। और ये सिर्फ सीनरी का पैसा है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सीनरी, मतलब 5-6 मिनट की ड्राइव है और टोटल, लेकिन बहुत रिलैक्सिंग ड्राइव है ये। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे वॉक करनी है, साइकिलिंग करनी है, तो आप ग्रेट ऑर्म सुमिट की तरफ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हार्डली 2.5-3 पाउंड लेते हैं पार्किंग चार्जेस, और आप यहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हैं और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब हम जा रहे हैं जिपवर्ड फॉरेस्ट, वो एक एक्टिविटी पार्क है, वहाँ पे बच्चों के लिए बड़ों के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ है। आपको वहाँ चलते हैं, लेकिन दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि दिस इज़ आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस जो इंटरनेट से देखो जो पढ़ा बस वही पता है अब तक। तो वहाँ चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या है। अच्छा जी, ये जिपवर्ड फॉरेस्ट जाते हुए रास्ते में एक सीनरी आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। ये वीडियो जस्टिफिकेशन नहीं कर सकती ये जगह कितनी हसीन है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये ये लिखा हुआ जिपवर्ड फॉरेस्ट चले गया। ये देखें, ये है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये लिखा हुआ भी आ रहा है बल्कि जिपवर्ड फॉरेस्ट, जिपवर्ड फॉरेस्ट, ये रहा डेंजरस रोड, लोग बुत हुए हैं। इज इट क्लोज, यहाँ थोड़ी जाना, आगे आगे जाना ना, वी आर क्लोज टुडे। हाँ, Oh my goodness! It says we are closed today. हम जिपवर्ल्ड फॉरेस्ट जाने के लिए हमने 1.5 घंटा ड्राइव की थी, क्योंकि सुनोडोनिया की तरफ था, सुनोडोनिया नेशनल पार्क की तरफ था ये। और पता ये चला कि ये खुलता है जब बच्चों की हॉलीडेज होती हैं फुल टाइम, अदरवाइज ये नहीं खुलता। आज का पूरा दिन हमने जिपवर्ल्ड के लिए रखा था, लेकिन खैर फिर अब यहाँ पे बच्चों को जू लेके आ गए हम, क्योंकि वहाँ तो जा नहीं सके जहाँ जाना था। अच्छा जी, फॉरेस्ट तो जा नहीं सके हम, तो हमने पहले जाना है यहाँ पे जू, क्योंकि नाइल कह रहे थे उन्होंने जिराफ देखना है, तो उनको जिराफ दिखाएंगे। वो देखे नाइल जा रहे हैं, मैप देखते रहे, इन्हें सब समझ आ रहा है। ये देखे नहीं, पता नहीं क्या है ये, इतना बड़ा है ये, जो भी है क्या लिखा हुआ है, लेट मी सी। वल्चर है ये, ओ माय गुडनेस,
दिस इज वल्चर, जिसे उर्दू में आप गिद्ध कहते हैं। क्या खाती है? इंसानों को खाता है ये, बच्चे उठा के ले जाती, इंसानों को खाता है ये, मेरे में क्या बच्चे ले जाती है। नाइल, दिस इज वल्चर नाइल, ओ माय गुडनेस, नाइल के कहने पे हम आ तो गए थे यहाँ पे, लेकिन इतना थका हुआ जू था, बेसिकली एक गार्डन सा गार्डन स्टाइल में जू बना हुआ है, लेकिन इंतहाई थका हुआ है। और हमने अराउंड पे किया था 50 pounds फॉर 4 persons, 4 persons इन द सेंस के जैद की तो थी नहीं टिकट, मेरी नाइल की और मेरे हस्बैंड की टिकट थी 50 pounds की। और मतलब इतना अफसोस हुआ ना हमें यहाँ पे करने पर, जिसकी कोई हद नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे ऐसा, मतलब जो देखा बस पैसा वेस्ट हुआ हमारा यहाँ पर। तो मैं आपको बेसिकली एडवाइस करूँगी, अगर आपने यहाँ आना तो बेहतर है कि आप बच्चों को चेस्टर जू ले जाएं या अपने लोकल जू ले जाएं, कि इस जू में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय इसके कि 50 pounds आपने पे कर देने। सी लायंस हैं ये, दीज आर कॉल्ड सी लायन, सी सी हेलो नाइल, सी दिस इज कॉल्ड सी लायन, कैन यू सी सी लायन, वाओ नाइल, oh wow, these look so good, look what she doing, have you ever seen flamingo before? No, I also never seen it before. Aur dekhi ji yahan dher sari flamingos khadi hain, aur ye kya kar rahi hain, khade hoke to samajh nahi aa raha, shayad meeting chal rahi hai inki, yeah duck bhi hai wahan par। Mazey ki baat hai, Nile to giraffe dekhne gaya tha, wo map mein to mention tha par andar nahi tha wo giraffe, ye penguin show bachche ne bada enjoy kiya, ye dekhiye snow leopard, बिल्ली की वाकई खाला लग रही है हमें देख के, इसमें वॉक करता हुआ आ रहा है, वो इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। हेलो जैद, शूज पहनने का शौक नहीं है, चलने का बहुत शौक है माशाल्लाह से। अच्छा जी, हम यहाँ से जा रहे हैं कॉन्वे कैसल, ये आउटसाइड से कैसल ऐसे लगता है, अब आपको इनसाइड भी दिखाते हैं जितना एक्सेस मिल सका हमें। इस पर एंट्री 11 pounds समथिंग है एडल्ट की, और बच्चों का पता नहीं कितना है, चल के देखते हैं। अच्छा जी, टोटल डैमेज हमारा हुआ था 31 pounds समथिंग, जिसमें 2 adults थे और 1 child था, और यहाँ पे हमने आइसक्रीम ली, फिर हम अंदर गए देखने के लिए कैसल, क्योंकि कैसल में टाइम गुजारना भी एक मरहला होता है। देख चल चल के टांगों की बस हो गई है, क्योंकि जू में भी इन्होंने बहुत घुमाया मुझे, यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता होगा, लेकिन छुड़ियाँ टूट गई हैं वाली ना। अच्छा, जो कॉन्वी कैसल है ये ना 13th century का बिल्ड कैसल है, अब तक इन्होंने प्रिजर्व रखा है, ये बड़ी बात है वैसे, लेकिन ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, और ज़्यादातर ना मिलिट्री की यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ थी। मुझे लगा था कोई बादशाह सलामत वगैरह रहते होंगे, जैसे हमारे तो बादशाह रहते थे ना कैसल्स में, मुझे लगा रहते होंगे, लेकिन ये तो मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ हुआ था। बताओ उफ़ अल्लाह, अंकल क्या सोच रहे हैं बैठ के, कभी भी ज़्यादातर आवाम बस एक एक आधे आधे हिस्से में थी, और बहुत कम लोग थे, मुझे लगा बड़ा रश होगा अंदर, कोई रश वश नहीं था, बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर बस पिक्चर्स ले रहे थे कोने खुदरे में खड़े होके। जिनको हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्ट हो या हिस्ट्री अच्छी लगती है, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, और मुझे से लोग जो मतलब काम चोर हैं हिस्ट्री पढ़ने से घबराते हैं, उनके लिए कोई बहुत मज़े की जगह नहीं थी ये। यहाँ कैदियों को रखते हुए बेचारे ऊपर और स्टेयर्स जा रही हैं, टांगों में हिम्मत नहीं मेरी कि ऊपर जा सको, बस यहीं तक देखते हैं। आई थिंक ये उस ज़माने का कुआं है जो अब खुश्क हो चुका है, अब तो कबूतर शबूतर ही बैठे नजर आ रहे हैं बस यहाँ पर। अच्छा जी, हम प्रॉम अपनी यहीं छोड़े, हम ऊपर जा रहे हैं देखने कि प्रिजन टावर में है क्या।
और देखिए जी ये दिख रहा है प्रिजन टावर टॉप से। वहाँ एक रेलवे ट्रैक जा रहा है, आई थिंक इस कैसल के अंदर ही कहीं जाता होगा। और ये टॉप से इसका मंजर है, यहाँ से भी दिखाती हूँ आपको ज़रा इस तरफ से क्या व्यू है। इस तरह से तो कैसल और समंदर था, और इस तरफ से देखें ये है। अच्छा जी इनका किचन टावर है, बाकी तो सब ब्लॉक किया हुआ है, रास्ते बंद किए हैं एक्चुअली। और जनाब अंदर कुछ खास नहीं था सिवाय इसके कि आप दीवारें देख लें, वो तो आप एक दीवार भी देख लें तो पूरी हो जाए, लेकिन इसमें खोएं बहुत हैं अंदर। बच्चों के लिए बहुत डेंजरस जगह थी आपस की बात है ये, और हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मतलब मैं टर्की के भी कैसल्स में गई लेकिन दे वर्थ गोइंग इन, वहाँ पर कुछ ना कुछ था ऐसा, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है जिससे आपको हिस्ट्री पता चलती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने ये देखना तो इससे पता जाके अपने हड़प्पा देख लें, मोहनजोदड़ो देख लें, मुफ्त का देखना भी हो जाएगा और अपनी दीवारें भी देख लेनी है। 91 feet डीप है। अल्लाह मोबाइल लगे रहा बस मेरा, बाकी खैर है। मैं क्या मोबाइल लगे रहा बस मेरा, बाकी खैर है। ये किला बहुत बड़ा है, मतलब कैसल बहुत बड़ा है, तो बस हम यहीं से वापस जाएंगे इसके बाद। ज़ैद क्या हुआ? और ये ज़ैद के रोने की वजह से बस हमने आधा कैसल देखा है, आधा भी नहीं देखा, बल्कि हमें था कि सस्पेंशन ब्रिज पर जाए, वो सस्पेंशन ब्रिज है, लेकिन ज़ैद ने जो रोना डाला हुआ अल्लाह माफ़ करे, वो कह रहे हैं मेरे हाथ छोड़ के ना मुझे जाने दो। और इस कैसल सो जनाब बस अब यहाँ पे हमने कैसल का टूर एंड कर दिया, हमने हाफ भी नहीं देखा बल्कि सस्पेंशन ब्रिज भी नहीं देखा जो मैं चाह रही थी देखने के लिए, जा रही थी देखना, क्योंकि ज़ैद ने इतना रोना डाला, वो कह रहा है मेरे हाथ छोड़ दो, मैंने खुद जाना है, सब खुद देखना है। और बात ये यहाँ पर जगह जगह इतने कुएँ हैं, मतलब दो तीन तो मैंने खुद देख लिए हैं, अगर मतलब खुदा ना खासा बच्चे का हाथ छोड़ बच्चा गिर जाए तो इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बेहतर है कि यहीं से एंड कर दें। वो कह रहा है मुझे छोड़ो मैंने खुद देखना है सब, तो बस हम यहाँ से वापस जा रहे, देखते हैं कि इसके बाद हम कहाँ जाना है हमने, या तो हम अबर फॉल्स की तरफ जाएंगे या तो हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ज़ैद एग्जॉस्ट हो रहा है बहुत। लेट्स सी। अच्छा जी यहाँ से हम गुजर रहे थे, ये देखें यहाँ लिखा है आइसक्रीम फॉर डॉग्स, इंसानों के लिए मिल नहीं रही थी कल आइसक्रीम, यहाँ अब डॉग्स के लिए मिल रही है। वाह भाई वाह, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और जनाब यह है ऑलमोस्ट 5:15 के बाद हम जा रहे हैं अबर फॉल्स पे, और मेरे पीछे एक ज़बरदस्त रिवर जा रहा है अगर आप देख सकें, और यहाँ पे काफ़ी शोर है। सो लेट्स द एडवेंचर बिगिन, बिकॉज ये 1.5 hour की वॉक है ऑलमोस्ट, और बच्चों के साथ तो 2 से 3 घंटों की लग जानी बन जानी है, लेकिन लेट्स सी। और यहाँ हम माँ बेटा पाँव घिसड़ घिसड़ के चल रहे हैं क्योंकि नाइल से चला नहीं जा रहा आई थिंक। और जी यहाँ मेरे पीछे ये जो रिवर जा रहा है, मैं इसका आपको व्यू दिखाऊँ ज़रा, सो ब्यूटिफुल, ये देखेंगे आगे भी पुशियर का दिया हुआ है। आओ बेटा आप सब जाओ, अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा हमको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा जी ये रास्ता बंद था, हम सब इसमें से कूद के आए, ये लॉक लगा हुआ है, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे हम, तो यहाँ से कूद के आए। अच्छा जी अबर फॉल के बारे में हिस्ट्री है, ये मैं जूम कर देती हूँ, सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। 2.5 mile की वॉक है वैसे ही, तो नहीं जी चलते हैं। अच्छा जी अभी को मेरा आधा माइल भी नहीं हुआ और आपको मैं दिखाऊँ अगर अपना बैकग्राउंड, ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इसके बीच में हम सब जा रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे, हम, हमारे शौहर, और पीछे से और भी लोग आ रहे हैं, मैं दिखा सकूँ लाइक दिस। अच्छा जी मैं आपको बता रही थी ये जो वॉक है, जो रैंप बना हुआ है, ये पुशर फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली, बहुत अनइवन सा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, मगर मैं आपको दिखाऊं ज़रा एक सेकंड। ये देखिए जी यहाँ से पुशर जा रही है, मेरे हस्बैंड तो वहाँ चला रहे हैं उधर ऊपर, लेकिन पुशर यहाँ से जानी है, काफ़ी अनइवन सा है, तो बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लग रही है, इस वक्त तो सांस हांप रही है मेरी एनीवे, लेकिन जो भी रास्ते में मिल रहा है हमें वो यही कह रहा है इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। सो मोटिवेशन है क्या, नहीं जाना है वहाँ तक, देख के आना है क्या है, सो लेट्स सी कितना जा पाते हैं हम लोग। और देखिए प्यारी प्यारी शीप से यहाँ पे है, जो मारेगी सब टक्कर आपको।
वो रही हमारी मंजिल। बहुत लंबा लगा है सफर, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और जनाब ये देखिए यहाँ जा रहा है दरिया सा, आई थिंक दरिया क्या वाटरफॉल का पानी जा रहा है। वाह सुभान अल्लाह। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई एम सीइंग एनी वाटरफॉल इन माय लाइफ। मतलब पूरी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ ये वाटरफॉल, मतलब कोई भी वाटरफॉल। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। वाओ अगर आप जा रहे हैं लैंड डूनो या सनोडूनो साइड पे तो मैं कहूँगी इट्स अ मस्ट मस्ट विजिट वाटरफॉल। बहुत हसीन है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पिक्चर में जस्टिफिकेशन नहीं हो रही। जहाँ जब आप वहाँ खड़े होते हैं, जब आप देख रहे होते हैं, यू जस्ट बिकम यू नो टोटली स्टन्ड विद द ब्यूटी ऑफ दिस वाटरफॉल। और इतना इतना ज़्यादा शोर था यहाँ पे कि कान पड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमारा तो ये कि ज़्यादा थोड़ा तंग करने लग रहा था, तो हम इतना ज़्यादा वहाँ पर स्टे नहीं करा हमने, वरना लोग यहाँ पर बहुत देर तक स्टे करते हैं आराम आराम से। लोग तो वाटरफॉल की दूसरी तरफ भी जा रहे थे, लेकिन ये स्टोन बहुत स्लिपरी थे। और हमारे बच्चों का साथ हो तो हम इतनी दूर वहाँ उस तरफ नहीं गए थे जहाँ पे मतलब आप जा सकते थे। बस नाइल के भी पानी में पाउंड डिप करवाए थे मैंने। और जनाब बस यहाँ हम थक गए और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हम सबसे ज्यादा नाइल थका है, ठीक है। नाइल ने 2.5 माइल जाना और 2.5 माइल वापस आना तय किया। यम यम ये यम यम लगे ने पता नीचे सब कुछ रखा है, तो बस ये यम यम पे लगे हुए। और वो नाइल साहब जा रहे हैं हमारे। नाइल इज सो स्ट्रांग माशाल्लाह। He walked a lot today, like a lot. Niall, good job. Mummy is so proud of you. चले जी आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।